नमस्ते। टुमारो इज अमावस्या एंड दिस अमावस्या इज फॉलिंग इन द साइन ऑफ जेमिनी। सो नेटिव्स बिलोंगिंग टू जेमिनी जोडियक, मीनिंग इफ यू हैव मून इन योर जेमिनी साइन, देन यू विल एक्सपीरियंस मोर इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑफ दिस अमावस्या, बिकॉज अमावस्या इज हैपनिंग इन द साइन ऑफ जेमिनी। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू राहु महादशा, केतु महादशा, एंड इफ योर मून साइन इज जेमिनी, देन यू विल डेफिनेटली फील वेरी लो, फ्रस्ट्रेटेड, एंड यू मे ऑल्सो बिकम एंग्री इवन ऑन सम स्मॉल रीजन्स। सो माई फर्स्ट सजेशन टू ऑल दोज बिलोंगिंग टू मून इन जेमिनी साइन इज दिस, दैट प्लीज कंट्रोल योर टेम्पर, कंट्रोल योर एंगर, एंड डोंट गेट इन टू डिप्रेशन। द बेस्ट कोर्स, द बेस्ट रिमेडी इज टू स्टे साइलेंट, नॉट टू स्पीक मच, नॉट टू टॉक मच, एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड सी टू इट दैट यू चैंट एवरी डे द गणेश मंत्र। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। द नेक्स्ट साइन दैट कैन फॉल इन ट्रबल इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बिकॉज फॉर स्कॉर्पियो द अमावस्या, द न्यू मून इज फॉलिंग इन द 8th हाउस, बिकॉज जेमिनी इज इन द 8th हाउस for Scorpio. So all my friends belonging to the sign Scorpio should be very very careful, especially when it comes to dealing with your in-laws or when it comes to dealing with others' money. See to it that you don't take unnecessarily responsibilities. See to it that you don't unnecessarily get into trouble by giving commitment to others. Also, as far as your relationship is concerned, be careful, because the 8th house Amavasya can bring certain troubles in your relationship as well. It can bring trouble in the matters of intimacy. Also, try to drive safely, because Amavasya and 3 days after Amavasya are very critical. So drive safely, avoid talking with others, stay silent and focus on your spiritual practices and chant the Vishnu mantra. Om Vishnave Namaha, Om Vishnave Namaha. The other sign that is in trouble is the sign of Cancer, because Amavasya is falling in the 12th house for Cancer. So it is likely that you may feel low, you may also incur certain losses, and you may tend to forget things. So please control your mind, stay focused on your goals, and ensure that you chant every day the Ganesha mantra. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. During this Amavasya period, you should chant the Shani mantra, because for Cancer moon sign, Dhaya is already running. So chant the Shani mantra and worship Lord Shani on coming Saturday by visiting the Shani temple, Hanuman temple, and taking 7 rounds around the peepal tree, and chant every day Om Sham Shanaishwaraya Namaha, Om Sham Shanaishwaraya Namaha. Chant this Shani mantra, and if possible recite Hanuman Chalisa, or at least listen to Hanuman Chalisa every day. The next sign in trouble is the sign Sagittarius, because Amavasya is falling in your 7th house, the house of marriage, the house of relationship. So you need to be careful, and you should try that you don't speak unnecessarily, because people may misunderstand you,
एंड बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स योर रिलेशनशिप कैन सफर एंड एंश्योर दैट यू चैंट एवरी डे द गणेश मंत्र ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः. द नेक्स्ट साइन दैट इज इन ट्रबल इज द साइन ऑफ पाइसिस बिकॉज फॉर पाइसिस द अमावस्या इज फॉलिंग इन द फोर्थ हाउस. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मदर एंड यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर होम. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सर्टन इश्यूज कनेक्टेड टू योर इमोशंस और योर मदर और योर होम और इवन योर व्हीकल कैन ऑक्यूर ड्यूरिंग दिस अमावस्या डे. एंड एज यू ऑल नो दैट राहू इज ऑलरेडी ट्रांजिटिंग ऑन पाइसिस मून साइन प्लस देर इज अमावस्या प्लस 7:30 इज रनिंग फॉर पाइसिस. सो प्लीज बी केयरफुल, कंट्रोल योर टेम्पर एंड डोंट गेट इन टू एनी फाइट्स ड्यूरिंग अमावस्या. द नेक्स्ट साइन दैट कैन फॉल इन ट्रबल इज द साइन वर्गो. फॉर वर्गो अमावस्या इज फॉलिंग इन द 10th हाउस. सो यू नीड टू बी केयरफुल एज फार एज योर करियर योर वर्क इज कंसर्न. डोंट गेट इन टू फाइट्स विथ योर बॉस एट वर्क एंड डोंट ओवर थिंक मच अबाउट योर करियर. इट इज लाइकली दैट यू मे फील एज इफ यू आर स्टक इन योर करियर. इट इज लाइकली दैट यू मे फील लो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू वॉन्ट टू डू. बट राइट नाउ बी पेशेंट एंड डोंट रश एंड डोंट गेट इन टू एनी फाइट्स. चैंट द गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः. यू कैन ऑल्सो चैंट द गणेश स्तोत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. दिस वे टेक केयर ऑफ योर माइंड. डोंट फॉलो द माइंड, लेट द माइंड फॉलो यू. एंड व्हेन आई से यू आई मीन योर अवेयरनेस योर कॉन्शियसनेस. द नेक्स्ट साइन इन ट्रबल इज द साइन लिब्रा बिकॉज फॉर लिब्रा इट इज ऑलरेडी अष्टम गुरु. गुरु इज ट्रांजिटिंग थ्रू द 8th हाउस फॉर लिब्रा मून साइन. एंड सो ऑन टॉप ऑफ दैट टुमारो इज अमावस्या. सो बी केयरफुल, डोंट गेट इन टू एनी फाइट्स विथ योर इन-लॉज. एंश्योर दैट यू हैव पीस एट होम एज वेल एज एट योर वर्क प्लेस. बी पेशेंट बिकॉज राइट नाउ अंटिल अप्रैल 2025 द टाइम इज नॉट राइट फॉर यू. सो बी पेशेंट एंड डोंट गेट इन टू एनी ट्रबल्स. यू कैन चैंट द विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय. एंड देन देर आर टू साइंस लियो एंड टॉरस. फॉर बोथ साइंस द अमावस्या इज फॉलिंग इन द हाउस ऑफ फाइनेंसिस. फॉर लियो इट इज इन द 11th हाउस. फॉर टॉरस इट इज इन द 2nd हाउस विच इज हाउस ऑफ फाइनेंस. एंड सो दिस अमावस्या कैन मेक यू थिंक मोर अबाउट मनी. यू मे गेट मोर वरीड अबाउट योर फाइनेंसिस बट दिस इज अ पासिंग फेज. एंड सो डोंट ओवर थिंक मच. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. इफ यू डिजायर फॉर अ गुड फाइनेंशियल पोजिशन देन स्टार्ट फास्टिंग ऑन एकादशी. फास्ट ऑन एवरी एकादशी फ्रॉम सनराइज टिल द नेक्स्ट डे सनराइज. एंड वंस यू डू 11 एकादशीज देन योर फाइनेंशियल कंडीशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव. एंड यू शुड चैंट द गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः. एंड यू शुड चैंट और यू शुड रिसाइट द अथर्वशीर्ष द गणेश अथर्वशीर्ष. एंड नाउ इट कम्स टू द टू साइंस कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस. फॉर कैप्रिकॉर्न द अमावस्या इज फॉलिंग इन द 6th हाउस एंड फॉर एक्वेरियस द अमावस्या इज फॉलिंग इन द 5th हाउस. फॉर कैप्रिकॉर्न बी केयरफुल एट योर वर्क प्लेस. सी टू इट दैट यू डोंट गेट इन टू एनी ऑफिस पॉलिटिक्स.
See to it that you work by focusing on your own performance at work and you don't get distracted at your workplace. Similarly, focus on your health. It is likely that this Amavasya can cause some health troubles to you. And as far as Aquarius is concerned, be careful about your children if you have children. And if you are an entrepreneur, then this can be a start of a new idea, a new business idea. Similarly, if you are a creative artist, then this Amavasya can give you certain new ideas to work on. So for Aquarius, this is definitely not a very bad period, but something that will give you new ideas to excel in your work area. And for Aries, the Amavasya is falling in the third house. So be careful while dealing with your siblings. Be careful if you are on short travel and see to it that you don't communicate with people who doubt you. You should be very clear in your communication and you should ensure that nobody misunderstands you. It is likely that this Amavasya can make you feel low, but this is a passing phase. And you can chant the Vishnu mantra. Om Vishnave Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Vishnave Namaha. And so, I have covered all the 12 signs. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, and the 2 signs of Saturn, Capricorn, Aquarius, and finally Pisces. So the message to all of you is this, that yes, Amavasya is falling tomorrow. And if you are under any black magic spell, then you may feel frustrated, you may feel depressed, because during this Amavasya phase, your enemies try to target you through black magicians. They go and they pay black magicians lots of money to target you. And so it is likely that you may feel low, but you should not lose hope, because all of these things are temporary. Always remember, magic is man-made, miracle is God-made. And so focus on God. If you are falling, don't lose hope, because the glory is not in never falling. The real glory is rising up every time you fall. And so I want to hold your hand and I want to tell you that don't lose hope. Everything is going to be all right. It is just a passing phase. Always remember, nothing lasts forever. Neither the good times nor the bad times. And so this shall too pass. It is only ignorant fellows who think that everything is forever. But the wise one is aware that nothing lasts forever. Time is always changing. Life is constant change. Except for change, everything else changes. Change is constant. If you remain open to change, you will be all right. And so this was my quick, short podcast as I'm sitting here in this car. And I thought to share this message because tomorrow is Amavasya and I would want you all to stay brave and not to give up. A real warrior never gives up. He may die while battling, while fighting, but he will never ever give up. And I know you are a warrior and you will continue fighting the battle of your life. Remember, everybody is fighting his or her own battle. So try to be kind with everybody. That's the message for now. See you all soon. Stay happy and focus on daily meditations and chanting. Jai Sri Ganesha. Jai Guru. ओम
गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः।